टीवी, सच साहस सरोकार। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के बाद सियासी सरगर्मी बन गई है। वहीं इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सपा पे माफियाओं को पोषित करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में कानून राज नहीं जबकि जंगल राज चल रहा है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जनता से कि आखिर क्या यूपी में सच में जंगल राज चल रहा है या कानून राज यहाँ पे नहीं है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कानून राज व्यवस्था कैसी है यहाँ की। यादव राष्ट्रीय सचिव, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी यूपीगढ़। सर, ये जो प्रयागराज में भी हत्याकांड हुआ है उस पर अखिलेश जी का कहना है कि योगी सरकार में जो है कानून राज नहीं जंगल राज चल रहा है, तो आपको क्या कहना? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में पूरे जंगल राज कायम है। दिन दहाड़े इलाहाबाद प्रयागराज की आप घटना देखिए, दिन दहाड़े किस तरह से बदमाशों ने गोलियां चलाई, बम चलाया, इससे ज़्यादा उदाहरण क्या हो सकता है। पूरे प्रदेश में लूट खसोट मची है, पूरा जंगल राज कायम है। कोई भी महिला हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे बेटी हो, चाहे पुरुष हो, कोई सुरक्षित तो नहीं। इससे पहले भी तो कोई अच्छी सरकार, जब 20 कांग्रेस इसकी सरकार थी, सपा की सरकार थी, तब भी तो ये ऐसी ही घटना आती रहती थी। हमने कभी नहीं देखा उत्तर प्रदेश में कि कुछ हद तक जो है यहाँ पे माफियाओं की कमी, जबकि ये भी कहा जाता है कि सपा में सरकार में माफियाओं को पोषित किया जाता था। आप एक उदाहरण पर ले सकते हैं, आजम खान को ले सकते हैं, जो ये खुद जो अतीक अहमद है वो भी सपा के हैं, तो इस पर आप क्या कहना? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ आरोप लगाते हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको नहीं ध्यान देते हैं। पूरे प्रदेश में चाहे आप जहां देखिए, दिन दहाड़े कहीं लूट हो रही है, कहीं बहनों की जो है चैन खींची जा रही है, कहीं गोली चलाई जा रही है, कहीं बम फेंका जा रहा है, और कुछ नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? जवाब देना चाहिए उनको सदन में। हमारे राशिद जी ने तो कहा है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में जंगल राज है, कायम है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोग डर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्चाई से दूर दूर तक जो वास्ता तो नहीं है। अतीक अहमद जी किस पार्टी से? अतीक अहमद बिना समाजवादी पार्टी का है, वो व्यक्तिगत है, अपना खुद का वो है। और उनका वो हमला करना व्यक्तिगत है, और जो भी होगा ये सब देखिए। अब मैं ये नहीं कह सकता किसने हमला करवाया, किसने नहीं करवाया, जो कराया वो अपराधी है। सरकार को चाहिए कि अपराधियों को पकड़ के कार्रवाई करके कायदे से कानूनी कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि विपक्षों पे आरोप। ये लॉ एंड ऑर्डर जो आप कह रहे हैं खराब हो रहा है, क्या बसपा सरकार ने जो इसमें जो स्कीम ऑर्डर बनाई थी, क्या उसके वजह से, जो बॉर्डर स्कीम लेके आई थी, क्या उसके वजह से? अरे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में कुछ है ही नहीं है, अधिकारी सुनते ही नहीं है, कुल मनमानी करते। टोटल अधिकारियों के हाथ पे लगाम है, योगी आदित्यनाथ जी के हाथ पे कुछ नहीं है, इसलिए अधिकारी पूर्व मनमानी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है कि योगी सरकार के जो कानूनी व्यवस्था है वो पूरी तरह से मतलब अस्त व्यस्त दिख रही है, कोई व्यवस्था नहीं है कानून में, क्या आपके सामने है? कल जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, और जिस तरह की घटना हुई बहुत निंदनीय है। अगर मान लीजिए कि जो अतीक अहमद है ये बीजेपी के, अगर तो इस पे आप क्या कहते हैं? तो आप लोग हम क्यों कहें कि बीजेपी के हैं, जब हमारी पार्टी के तो नहीं हो, समाजवादी पार्टी के नहीं, हम यही कह सकते हैं। अच्छा, हम क्यों कहें कि बीजेपी के हैं, किसके हैं, हमारी पार्टी के नहीं, हम इतना जानते हैं। तो मतलब आपका क्या कहना है इस पे कि जैसे इसमें जिन्होंने ये कांड किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही कह सकते हैं, और सरकार को ये काम करना चाहिए। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है कि जो उनको काम करना चाहिए वो करना चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, जो प्रयागराज में कल हमला हुआ है राजपाल के यादव के हत्याकांड में, तो क्या इसका पूरा मेन मतलब जो था किस तरह से हुआ है, और क्यों नहीं वहाँ पे पुलिस होते हुए भी एक नामा किया गया, आखिर क्या इसमें कमी रह गई थी? पुलिस कहाँ से अच्छा में कार्य करने पे, पुलिस तो कानपुर कांड से भी भागी थी, पुलिस के सामने जलाया जा रहा था, तो पुलिस ही नाकाम है, लॉ एंड ऑर्डर है ही कहाँ यहाँ पे, कुछ पुलिस ही गिरा रही, माँ बेटी को जला रही है, क्या कह सकते। डीएम एसडीएम सब सामने खड़े, सामने जल रही है, प्रशासन भाग रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस का काम क्या होता है? बचाना, ना कि छोड़ के भागना, इसके लिए जिम्मेदार सरकार ही होगी। और बात रही अतीक अहमद की, तो जो भी कांड हुआ है उसके लिए सरकार है, कोर्ट है, अपना फैसला सुना, उनको सजा मिलना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी तो है नहीं, लेकिन अभी तक तो भी माफियाओं थे, आपने भी देखा कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से उनका हर्ष किया है, और क्या क्या उन पर अपने
जो भी उनका अपराध था उसको देखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी जो मोहम्मद अंसारी थे, जितने भी माफिया हैं उनको क्या से क्या कर दिए, तो हर चीज पे कार्रवाई करते हैं, तो उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप लोग साफ करना भी पूछा कि कानून व्यवस्था नहीं, जबकि ये जंगल राज चल रहा है, जंगल राज ही चल रहा है। और क्या आज के जमाने में बताओ ऐसा हो सकता है कहीं भी किसी भी देश में कि सामने प्रशासन जलवा रहा हो, दो दो लाशें जल रही हैं, साथ जल रही, जिंदा जलाया जा रहा है, तो उनमें कार्रवाई, उनमें कार्रवाई भी तो होती है। अच्छा, प्रशासन का मतलब होता है वहाँ जाके एग्जांपल बता दीजिए, जैसे कि सपा के जब सरकार थी तो क्या ऐसी जो कानूनी व्यवस्था थी तो किस तरह से सही था, और या मतलब आपका बीजेपी से और जो सपा में कितना अंतर था कानून व्यवस्था? अंतर यही था कि अखिलेश जी ने हाईटेक पुलिस प्रशासन बनाया था, जो कि 10 मिनट में पुलिस पहुंचती थी, एम्बुलेंस हाईटेक दिया गया था उनको कि तुरंत एम्बुलेंस पहुंचती थी। अच्छा। लोगों को थोड़ा महसूस होता था कि हम 100 डायल करेंगे अभी हमारे पास पुलिस आ जाएगी, कोई परेशान करेगा। अभी डायल करते हैं तो नहीं आता। अभी डायल करिए आप, 108 डायल करिए, अभी हमारे सामने आप डायल करिए, फोन नहीं उठेगा ना फोन लगेगा, 112 आप डायल करके दिखाइए, फोन उठ जाए लग जाए तो बताइएगा 10 बार के पहले, किसका क्या है। और इनको तो और हाईटेक बनाना चाहिए। आप बताइए एम्बुलेंस की गाड़ियाँ कितनी बढ़ाई गई हैं, जो मिली थी वही तो चल रही, उनमें भी डीजल नहीं पहुंच रहा है। पुलिस की गाड़ियाँ कितनी बढ़ाई गई हैं, बढ़ाई गई 100 नंबर गाड़ी नहीं बढ़ाई गई। एपी में अमित शाह जी के ऊपर कितने मुकदमे लगे हैं, तो इसमें भी तो बहुत सारे माफिया हैं। आप हमारे, देखते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक मुकदमे नहीं है। अब योगी अभी आपका लगे तो प्रेजेंटा केशव मौर्य जी हैं, उनपे कितने मुकदमे, कितने उन्होंने वापस किए हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक मुकदमा दिखा दीजिए आप, तो जब आप समझ लीजिए फिर जो जिससे ऊपर वाले हैं वैसे नीचे वाले कांड करेंगे उनके, वैसे प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, वो मनमानी कर रहा है, क्योंकि योगी जी के बस उन पे नहीं चलता है, योगी जी को ऊपर से मोनिटाइज कंट्रोल किया जा रहा है, और ये सब बहकावे। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप दीक्षित जी, प्रदेश जो सचिव हैं, आइए अब उनसे हम बात करते हैं कि आखिर जो सर ये प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है राजूपाल का, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये योगी सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। आप किसी भी जनपद में देखें, मैं जनपद जालौन का रहने वाला हूं, हर जगह ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, कहीं कहीं खुला कहीं कोई खुलासा नहीं होता है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इतनी देर से सड़क पर घात लगाए बैठे हुए थे, इससे मान सकते हैं कि मतलब पुलिस प्रशासन कितनी बड़ी विफलता है कि 2 दर्जन 24 आदमी और अनवरत 90 राउंड उन्होंने गोलियाँ चलाई हैं। जिस तरीके से निसंग तरीके से उन्होंने हत्या की है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और ये योगी सरकार की विफलता का प्रमाण है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरे तरीके से वो फेल हो चुके हैं और प्रदेश बिल्कुल दुर्गत की ओर जा रहा है। लेकिन सर योगी सरकार भी तो जितने भी माफिया हैं उन पे कार्रवाई करी, बुलडोजर कार्रवाई चली, तो ऐसी तमाम जो कार्रवाई माफियाओं पे चलते आ रहे हैं, लेकिन ये जो घटना हो रही है आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि आप भी अतीक अहमद जो नाम सामने आ रहा है तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप भी जानते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी गुंडों को भूमाफियाओं को पनाह देने का काम कभी नहीं किया। और रही बात बुलडोजर की, तो मैं कहना चाहूँगा कि आदमी के खिलाफ FIR दर्ज होती है वो सही है या गलत ये तो नहीं पता है, ये निर्णय करती है कोर्ट, ये निर्णय करना काम पुलिस का नहीं है और ना बुलडोजर चलाने वालों का काम है। जब कोर्ट निर्णय करते है वो दोषी है तो उसके लिए कानून सजा का प्रावधान है, IPC CRPC की धाराएं बनी हुई हैं। आपने तो देखा कि FIR हुई, किसी ने हो सकता है गलत तरीके से FIR करा दी और आपने उठा के सीधा मकान बुलडोजर चला दिया। हमने देखा है सरकार में भी ऐसी तमाम जो माफियाओं की से हरकतें होती रहती थी, लेकिन यहाँ भी इस सरकार में भी हो रही है, लेकिन सर क्यों ये कानून व्यवस्था सही नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या इसमें कमियाँ आ जा रही है? क्या इस कमी का जो होता है बॉर्डर स्कीम हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है? देखिए घटनाएं हर सरकार में होती रहती है, रोकना हाथ में नहीं है, लेकिन हमने नहीं कहा कि हमारी सरकार में घटनाएं नहीं हुई, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें रोकने का काम किया, पूरा प्रयास किया। लेकिन आप एक तरफ अपने आप को ये बताते हो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हम पूरे तरीके से सफल हैं और लगातार घटनाएं हो रही हैं और पूरी तरीके से आप फेल हो चुके हैं, फिर भी आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि आप विफल हो चुके हैं। अब ATS का गठन कर दिया हमने, STS लगा दिए, पुलिस लगा दी, ये कर दिया, तमाम चीज़ें प्रोपेगंडा बना के अपने आप को साबित करना चाहते हो कि आप इस मोर्चे में सफल हैं। हमारे जनपद जालौन में झांसी में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन 10 से लेकर 12 चोरियाँ ना होती हों और कभी कोई खुलासे नहीं होते हैं, ये घटनाक्रम है, हर मोर्चे पर हम लोग फेल हो चुके हैं। अखिलेश यादव का भी कहना है कि यहाँ पे जंगल राज चल रहा है ना कि कानून राज, इस पे आपका क्या कहना है? देखिएगा मैं कांट विधानसभा से हूँ, मोहम्मद अरशद खान छात्र सभा का नेता हूँ। जी जी। देखिएगा जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है गुंडागर्दी चरम पर है। अच्छा। जगह जगह पर महिलाओं का अपमानजनकता, सम्मान का कहीं कोई नाम नहीं है। जगह जगह हर चीज़ जो हमारी सपा सरकार ने लेकर चले थे, जैसे कि कानून का रोड क्राइम के लिए 100 नंबर लाए थे, इन्होंने कोई बढ़ावा नहीं दिया, सिर्फ एक नंबर चेंज किया है बस।
अब आ जाइए आप किसानों के सम्मान की बात, जगह जगह किसानों को लाठियों से बर्बरता की जा रही है, उनके ऊपर कहीं भी किसानों को कहीं सम्मान नहीं मिला है, न कि युवाओं को रोज़गार मिला है, न युवाओं को सम्मान मिला, न महिलाओं को सम्मान मिला। ये सिर्फ भड़काने वाले मुद्दों की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वरना कहीं कोई भी रोज़गार की बात नहीं करते, किसी के सम्मान की बात नहीं करते। जहाँ देखो भाई एक ही चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास और कोई भी चारा नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही इनके पास मुद्दा है, बस कभी रामचरितमानस पे बात करते हैं, कभी किसी चीज़ पे बात करते हैं। अभी देखिएगा, अब हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इटम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो ये नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये सम्मान नहीं देना चाहते किसी को भी। जातीय जनगणना होने से सम्मान मिल जाएगा छोटे तबके के जो लोग होंगे? कि सर इससे सवाल भी, जो देश में बवाल भी हो सकता है। और दूसरी सर बात हम बात करें तो क्या सपा सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? देखिएगा, घटनाएं सारी सरकारों में हुई, लेकिन इतनी घटनाएं नहीं हुई जितनी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी में हुई। हर चीज चरम पे पहुंचा दी इन्होंने। देखिएगा महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई कहाँ पर पहुंचा दी इन्होंने, बताइए युवाओं का क्या हाल है आज? बेरोजगारी के लिए युवा एमबीए कर, मैं खुद एमबीए हूँ, आज कहाँ घूम रहे हैं बताइए? कहीं ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी है। और देखिएगा ये वादे करते हैं कि हम फला नौकरी देंगे, बताइए आप कहीं कहीं नौकरी हो तो सिर्फ अखबारों में छपते हैं, विज्ञापन आता है, लेकिन कभी भी कहीं ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं होता है। और सपा ने देखिएगा युवाओं के लिए भी लेके रोड से लेके संसद तक जब जब ज़रूरत पड़ी है सबके लिए बोले धरने प्रदर्शन किए। संसद में भी हमारे अखिलेश यादव जी बार बार धरने प्रदर्शन करे, बाहर भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हमारे साथ चाचा जी आ गए, वो देखिएगा, वो बाहर का मोर्चा संभाल रहा है, अखिलेश यादव जी सदन के अंदर का मोर्चा। हम दीपक बिश्नोई है और मैं जनपद मुरादाबाद से निवर्तमान जिला सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। सर ये जो भी प्रयागराज में फिलहाल जो भी घटना हुआ है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वही योगी जी का कहना है कि सपा सरकार में जो माफियाओं को पोषित किया जाता है, दूसरी तरफ आपके जो अखिलेश यादव जी हैं उनका कहना है कि यहाँ जंगल राज चल रहा है यूपी में, ना कि कानून राज है, आपका क्या कहना है? मैडम अब तो ये जो कह रहे हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वही सच मान रहे हैं। अच्छा। जो भी कह रही है यही सच कह रहे हैं, किसी की बात सुनने को ये तैयार नहीं है। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी अभी विधानसभा में भी मुद्दा उठाया इस चीज़ के लिए, क्योंकि जैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमारी बात सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सपा सरकार थी उसमें आपकी कानून व्यवस्था सही था? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी हमारे, हमारी सरकार में सबसे अच्छी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो 100 डायल जो पुलिस की गाड़ियाँ चलाई थी वो सबसे अच्छी चलाई थी। अच्छा। उससे रोड क्राइम बिल्कुल शून्य हो गया है। यही सब सारे मुद्दों पर लड़ाई, जातीय जनगणना की बात चल रही है, इससे हम लोगों को या सब पूरे समाज को ये फायदा होगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से उनको सम्मान मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी समाज हो। तो अभी क्यों याद आए आपकी अखिलेश यादव जी की जातीय जनगणना होनी चाहिए? एक मुद्दा और है इनका जो गन्ने का बता रहे हैं ये। नहीं, चुनाव के टाइम क्यों याद है कि जातीय जनगणना होना चाहिए? सिर्फ जनगणना नहीं हो सकता है कि जातीय जनगणना? तो ये तो पहले से ही उठा रहे हैं ये मुद्दा, जातीय जनगणना के 2017 में भी उठाया था इन्होंने ये मुद्दा। तो जब सपा की सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं उठाया? तभी तो देश में अभी नहीं हुआ था जातीय जनगणना आपका 1900 हुआ है, तो अभी क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो मैडम अभी इसलिए उठाया है, मैनिफेस्टो में कहा था इस चीज के लिए, सरकार में कहा था 2017 में भी। तो अपनी भी सरकार में तो ये सवाल उठानी चाहिए ना कि जातीय जनगणना हो? नहीं, लगातार उठा। जब भी सरकार जिसकी होती है जातीय जनगणना नहीं कराती है, सरकार अपना जाने के बाद उसको याद आता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आखिर क्यों ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, लगातार मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना की। नहीं सर, जवाब है ये मानते हैं हम, क्योंकि हमने खुद पढ़ा, इसको देखा है कि जब भी जिसकी सरकार रहती है जातीय जनगणना नहीं कराती है, जब उसकी सरकार नहीं रहती है तो उन्होंने इस मुद्दे पे उठा लेते हैं। तो इस पे आप लोगों को कुछ कहना चाहिए ना कि आखिर क्यों जातीय जनगणना हो रहा है? समाजवादी चुनाव आ रहा है इसलिए नहीं, समाजवादी सरकार जब हमारी थी 2012 से 17 के बीच में, तो सारी जातियों को जो पिछड़ा वर्ग है सबको बराबर सम्मान मिल रहा था, लेकिन अब जो जनरल कास्ट है उसको ज्यादा सम्मान मिल रहा है, जो पिछड़े हैं उनकी बात ही कहाँ सुनने के लिए तैयार है, ये सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जातीय जनगणना की निरंतर मांग कर रहे हैं। सर ये प्रयागराज जो हत्याकांड हुआ है राजूपाल यादव के, तो उस पर साफ तौर पे कहना है अखिलेश यादव के कि यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं जंगल राज्य चल रहा है, आपका क्या कहना है?
देखिए, जो इलाहाबाद में घटना हुई ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और सरकार के जो गरिमा है उसको घटाने वाला है। सरकार कहती है कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी खत्म है, यही तो कह रही थी अभी तक कि या तो गुंडे जो है भाग गए हैं या तो जेल में हैं। तो ये कौन से गुंडे थे जो इस तरह का कांड किए और ललकार के और दौड़ा के मार रहे हैं, जैसा आप देख रही होंगी, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही उस तरह का है और सरकार को झकझोर देने वाला है, यानी समाज को भी झकझोर दिया, समाज को झकझोर दिया है। और अभी तक कहते थे कि ये भाजपा की सरकार है, गुंडे यहाँ या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन आप बताइए कि कानून व्यवस्था को धता बताते हुए इस तरह का कांड हो रहा है, तो कहाँ रह गया कानून व्यवस्था? एक तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वहाँ के पुलिस अधिकारी, एलआईयू के लोग, इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे कि ये घटना घटने वाली, जबकि ये सब चीज़ें जो है सरकार के पास है। सरकार को और तेज़ी से ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद कितना कठोर कार्रवाई करती है सरकार वो तो अलग की बात है, लेकिन ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। राजू पाल की हत्या 2005 में हुई थी, उनके ये मुख्य गवाह थे वकील साहब, और वकील साहब मुख्य गवाह थे, गवाही लगी हुई थी, गवाही दे के घर जा रहे थे। घर जाने पे उतरते ही गाड़ी से इस तरह का वारदात हुआ और भीड़ भाड़ इलाके में हुआ, तो सरकार की एलआई क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, ये भी तो ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनको सुरक्षा भी थी, उसमें एक पुलिसकर्मी भी मारा गया। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि कानून व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है, इसको और सही करना चाहिए? एकदम, सरकार को और ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो चूक है, वहाँ के पुलिस कमिश्नर की चूक है या वहाँ के जो बड़े अधिकारी थे उनकी चूक है। तो कि जब किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति बता भी चुका कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, ये लोग धमका रहे हैं, उसके बाद भी सरकार को चेतना चाहिए था या जिला प्रशासन को चेतना चाहिए था कि अगर इस तरह की वारदात है, वो भी बड़े अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधियों में नाम आता है कि राजू पाल को अस्पताल तक दौड़ा के मारा गया था और वही हाल जो है पुनः दोहराया गया है 2022 में। और जबकि ये सरकार कह रही थी कि गुंडे या तो प्रदेश छोड़ के बाहर भाग गए हैं या तो जेल में हैं, लेकिन ये सरकार के जो है कानून को धता बताते हुए इस तरह का कांड हो गया, जो सरकार को भी सोचना चाहिए। और जनता तो बहुत ही निराश और हताश है कि इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, तो जनता क्या बोलेगी? आप ये बताइए कि दो दो पुलिस मौजूद हों और उसके बाद भी हत्या हो रही, तो आम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी अपराधियों के खिलाफ या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ या अन्य के खिलाफ कि ये काम नहीं हो रहा है, रोड सही नहीं बनी है, तो जो ठेकेदार होता है वो भी तो आक्रोश में आएगा, तो हम लोगों की क्या सुरक्षा होगी? तो सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के वारदात बार बार न दोहराई जाए। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि कठोर से कठोर दंड दिया जाए, कि जो दूसरे अपराधी हैं जो वो कम से कम कांप जाएं कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी निस्तार नबूत हो जाएंगे। और तमाम अपराधी अभी बचे हुए हैं, सरकार जरूर कहती है, लेकिन सरकार के, इसी सरकार के और इसी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अपराधी हैं जो भूमाफिया हैं, गुंडागर्दी हैं, अपराधी हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं जो जनता में दहशत फैला रहे हैं, और उनके ऊपर भी लगाम लगाना चाहिए सरकार को। कुछ लोगों पे लगाई है सरकार, हम मानते हैं कुछ लोगों पे बुलडोजर चलाई, कुछ लोगों को जेल भेजा, कुछ लोगों की जमीन कुर्की की है, लेकिन अभी तमाम लोग बचे हुए हैं उनके ऊपर भी कानून का दंडा चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार में ये हो रहा है मामला, क्या कांग्रेस और सपा की सरकार में ऐसी नहीं थी? सपा के जो कार्यकर्ता है या उनके जो नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये ऐसी जो वारदात है हमारी सरकार में नहीं हो रही थी, क्या ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आपने खुद देखा है सपा की सरकार और बीजेपी की सरकार भी देख रहे, कितना अंतर था? देखिए, कानून व्यवस्था, देखिए, दौड़ा के मारना अलग की बात है। मुझको लगता है, मुझे याद है कि बसपा की गवर्नमेंट में राजू पाल की हत्या, वो विधायक थे उस समय, और उनको दौड़ा के मारा गया था। जब वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं एम्बुलेंस से, तो उसके बाद वहां भी दौड़ा के मारा गया अस्पताल के अंदर, तब बसपा की गवर्नमेंट थी। तो बसपा की उस तत्कालीन जो है मुख्यमंत्री थी या सपा की थी, मुझे विधवत याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी सरकारें थी वो भी घटना बहुत दर्दनाक थी और ये भी घटना उसे भी बड़ी दर्दनाक है। जब ये सरकार कहती कि मेरे राज्य में गुंडागर्दी नहीं चलेगी और गुंडे जो हैं जेल में हैं, अगर कोई गुंडा है तो प्रदेश छोड़कर बाहर भाग गया, कोई अपराधी है तो जेल में है, या नहीं तो
प्रदेश से बाहर है, तो गुंडे या अपराधी कहाँ से ये हैं? ये कौन थे? गुंडे अपराधी नहीं थे तो क्या शरीफ थे ये लोग? आप ये बताइए कि दौड़ा के मारा जा रहा, तो आप ये बताइए गुंडे अपराधी नहीं थे, मवाली नहीं थे तो कौन थे? इनको तो जेल के शिक्षों के अंदर होना चाहिए, या तो इनको फांसी पर लटका देना चाहिए कि जो ये की हत्या नहीं की है, समाज की हत्या कर रहे हैं ये लोग। समाज दहशत में आ जाता है, समाज मरणासन्न हो जाता है अपनी बात कहने में। मैं यही तो कहता हूँ कि मैं अकेले बोलता हूँ, चाहे सड़क के मामले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, अपराधीकरण के मामले हो, अपराध के मामले में हो, तो इस तरह से अगर बोलने वाले को भी निशाना बनाया जाएगा तो कैसे आवाज़ होगी, कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी रह जाएगी? सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए, केवल एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। एक आदमी दूसरे पर लगाएगा, दूसरा आदमी दूसरे पर लगाएगा, लेकिन आप कहेंगे कि सपा सरकार या बसपा सरकार या भाजपा सरकार, सरकारों सी बात नहीं, जो है उसी से सवाल किया जाता है। तो जिसके सरकार में घटना घटी ये बहुत ही निंदनीय है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, उन अपराधियों को तत्काल अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, या तत्काल जो फास्ट ट्रैक अदालत में चला के 7 दिन में या 15 दिन में या महीने भर में उनको सजा सुनाना चाहिए, चाहे फांसी की सजा हो चाहे आजीवन सजा हो। ये रेयर ऑफ द रेरेस्ट केसों में आता है कि जो दौड़ा के मारा जा रहा है, ये गलत है। अचानक मारपीट हो गई, डंडा लग गया, कोई मर गया तो अलग की बात है, वो गैर इरादतन हत्या, हमारी मंशा नहीं होती है, लेकिन लग गई चोट तो मर गया आदमी, लेकिन ये तो इरादा बना के मारा गया ना, तो इसलिए इन अपराधियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार। उस पर क्या कहना है, क्या इसमें कानून व्यवस्था योगी सरकार की कमजोर पड़ रही है? नहीं, अगर कमजोर न होती तो कैसे होता? अगर कमजोर न होती तो होते ही नहीं। इसमें तो तत्काल जो कार्रवाई उन्होंने की वही कार्रवाई इनके साथ होना चाहिए, ना कि कोई अदालत की कार्रवाई, तत्काल वही होना चाहिए समाज के लिए, तब वो मैसेज अच्छा जाएगा। अभी ये जो किया है ये समाज के लिए, डायरेक्ट सरकार इस पे कार्रवाई करती क्यों नहीं करे? अच्छा। हमारे तो गनर मार दिए गए, क्या असर जाएगा उसका समाज के ऊपर बताइए? आप रिपोर्टर हो, आपके साथ मगर कोई बदतमीजी करे तो कई लोग रिपोर्टिंग करने के निकलेंगे घर से। ठीक है, तो इसलिए कोई आदमी हो, आज वो गनर बेचारे कहना सुनो, वो आदमी उसकी सैलरी कितनी है, उसके घर बच्चों की कितना गवर्नमेंट दे देगी, उसके घर बच्चे तो अनाथ हो गए, तो और उसके बाद खाली उनको खाना पूरी करके और जेल में डाल दिया जाए, तो इससे अपराध थोड़ी खत्म होगा। उनको तत्काल प्रभाव से गोली मार देना चाहिए, फिर गनर की सिक्योरिटी का मतलब ही क्या रह गया? अभी काहे के शासन का दबाव, उसी तरीके से उनको मारना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने मारा वहाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पार्टी आती है, तो पार्टी जब दूसरी आती है तो कानून व्यवस्था अच्छी होती है, बीजेपी में जो ये कानून व्यवस्था है वो ज्यादा बिगड़ गई है, आपको ये लग रहा है कि? अब इससे तो यही लग रहा है भाई, अगर नहीं बिगड़ी तो ये हुआ कैसे? अच्छा। अब या तो इसको सुधारा जाए तो फिर माना जाए कि हाँ सुधी भाई, अगर ये नहीं बिगड़ी है तो ये हमारे आपके सामने आज कैसे आया? बिगड़ी तभी तो आया, अब इसको फिर सुधारा जाए। समाजवादी पार्टी के सरकार में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, और उन्हीं माफियाओं को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने संकल्प लिया है, और इनके विरुद्ध आप देख रहे हैं बड़े बड़े माफिया भूमिगत हैं या तो जेल के शिकंजे में हैं। इस तरह की घटनाएँ जो घट रहे हैं उसको सरकार ने संज्ञान लिया है, और निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी, और माफियाओं को उन्होंने आज सदन में इस बात को कहा है कि मिट्टी में गाड़ देंगे, तो निश्चित तौर से वो होगी। सर, ये कानून अगर व्यवस्था सही रहता तो यहाँ पे खुलेआम जो सर दौड़ा की हत्या करने ये नहीं होता? ये तो प्रतिशोध की भावना से किया गया है, उसको बहुत उस तरह से नहीं कहा जा सकता कि आपराधिक बहुत बड़ी आपराधिक घटना नहीं कही जा सकती, यह तो प्रतिशोध की भावना से किया गया है, और उसको सरकार ने बहुत अच्छी तरह से संज्ञान लिया है, और निश्चित तौर से बड़ी कार्रवाई होगी। तो सर, यहाँ के कार्यकर्ताओं का सपा का कहना है कि हमारे राज्य में ऐसी कोई कांड नहीं होता था, हम भूल गए हैं क्या? हाँ। यही राजभवन के सामने बहुत बड़ा अपराधी घटना थी, विधायक की हत्या हुई थी। सपा सरकार में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, उन सब घटनाओं को याद कीजिए ना। अच्छा। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। क्या आपको लग रहा है योगी सरकार इस कानून व्यवस्था को सुधार करने की क्या आगे पहल कर रही है? बहुत बढ़िया पहल कर रही है, और इससे बढ़िया कोई सरकार हो नहीं सकती जो कानून व्यवस्था को के मामले में। सर, इसमें अखिलेश यादव का कहना है कि जो प्रयागराज में हत्याकांड हुआ है उससे पूरे यूपी सरकार या कहें कि जो कानपुर में जो मामला हुआ था उसको लेकर पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, और ये जंगल राज यहाँ चल रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो कानून का राज बताने वाली सरकार थी, इस समय पूरी फेल है। अब इनके पास कहीं कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये जंगल राज से भी बढ़ करके जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में जिस तरीके एक्टिंग होती है उस तरीके से आज इनकी हत्या हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। तो सर, ये 2005 में किसकी सरकार थी जबकि इनकी हत्या को हुई है? किसकी सर, ये जो राजपाल यादव को इनके देखिए जो उस समय हत्या हुई
और आज की जो ये कानून राज लेकर के आए, जो घटना अभी हुआ है उसी तरह उस टाइम 2005-04 में भी हुआ था, तो वो घटना सर फिल्मी डायलॉग नहीं था? नहीं नहीं फिल्मी डायलॉग नहीं था, और उस पर भी हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई किया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब सख्त से सख्त कार्रवाई किया गया था। ऐसा नहीं है कि अपराधी किसी के नहीं होते हैं। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इन कहीं ना कहीं ये इनकी कानून व्यवस्था में कोई दम नहीं है। सख्त कार्रवाई की होते तो ये अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है, फिर उस टाइम कहीं ना कहीं उसके जो मुजरिम थे वो पकड़े जाते, अभी तक ये केस चल रहा है, आखिर क्यों? ऐसा है कि जो आप बता रही हैं, आप कानपुर के मुद्दे पे आप जाइए, वहाँ बहन बेटियों को जलाया गया। कभी भारतीय जनता पार्टी बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में नारा लगाती थी, आज माँ बेटियों को जिस तरीके से अधिकारी डीएम एसपी वहाँ खड़े हैं और उनके सामने जलाया जाता है, आज जिस तरीके से वहाँ पे प्रयागराज में घटना होती है, इनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार है? और महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहे हैं कि आज नौजवानों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल पे बात नहीं कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, बस एक धोखा जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ स्ट्रेचर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और वहाँ पे डॉक्टर ना गायब है, ये हालात देखा। यहाँ पे हम तमाम जो सपा के नेता हैं, जो बीजेपी के नेता, उनसे हमने बात किया और जाना कि जो प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है उस पे कानून व्यवस्था को लेकर इनका क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या कहा, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो बीजेपी के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है, अब जो पहले के जो माफिया है उनको खत्म करने के लिए संदेश दिया जा रहा है, वही सपा के कार्यकर्ताओं को कहना है कि हमारे राज्य में ऐसे हत्याकांड नहीं होती थी और ये पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ गई, कहीं ना कहीं इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और कानून व्यवस्था बनाना चाहिए। तो बात करें जो जब प्रयागराज को जो हत्याकांड हुआ है वो कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत ही निचतापूर्ण ये बातें हुई है, तो इस पर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस मामले को और कानून व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। कैमरामैन सुधीर के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ बार पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।